तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम एक दूसरा मेथड देखेंगे इसी सम को करने का। ये मेथड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजियर लगेगा। यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट है उसी को हम सॉल्व करेंगे एज एन इक्वेशन एंड दिखा देंगे कि LHS और RHS बोथ साइड जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि -2 sin square theta cos square theta को लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि sin की पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एज sin square theta whole square, बिकॉज स्क्वायर का स्क्वायर करने से 2 × 2 पावर 4 हो जाता है। प्लस cos की पावर 4 थीटा को भी लिख सकते हैं cos square theta का whole square, एंड उसके बाद 2 sin² θ cos² θ को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × sin² θ × cos² θ। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं। यहां पे हम लोग के पास एक टर्म है ऑफ द फॉर्म ए स्क्वेयर, यहां पे हम लोग के पास है एक टर्म ऑफ द फॉर्म बी स्क्वेयर, और यहां पे हम लोग के पास है एक टर्म ऑफ द फॉर्म 2ab, 2 × a × b, वेयर ए इज sin² θ, बी इज cos² θ। तो sin² θ का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, cos² θ का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, एंड 2 × sin² θ × cos² θ हो गया 2 × a × b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, या ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे हम लोग को फिर क्या मिलेगा, ये जो है इस फॉर्म में है एंड इसका दूसरा फॉर्म ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, जहां पे ए का वैल्यू है sin² θ, बी का वैल्यू है cos² θ। तो ये बन जाएगा sin² θ प्लस cos² θ होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग को पता है कि sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है, फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि 1² = 1, एंड दैट मींस 1 = 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि जिस स्टेटमेंट से हमने शुरू किया था वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ।